हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक जो शायद हमारे शायद क्या आपके लिए भी जरूरी है, दैनिक जीवन में भी ये जो जानकारी है ये बहुत काम की है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि स्टील के बर्तनों में या जो भी चीजें धातु की बनी है उसमें हमें खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, या फिर पीतल व तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, जैसे दही वगैरह होगी, अचार वगैरह होगा तो नहीं रखना चाहिए। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, ये जो आपके पीतल व तांबे के बर्तन है ये किससे क्रिया कर लेते हैं, खट्टे पदार्थ से। खट्टे पदार्थ इन बर्तनों में जो ये बर्तन धातु से बने हैं उससे ये क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, और क्रिया करके क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं। और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जो ये लवण बनता है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, इसीलिए इन खट्टे पदार्थों को बर्तनों में मतलब धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपकी जिंक धातु होगी प्लस हमने क्या ले लिया, H2SO4। ठीक है, या हम यहाँ पे क्या ले रहे, कॉपर। ठीक है, तो आप देखो कौन सा लवण बन जाएगा, कॉपर। किससे क्रिया कर लेगा, सल्फेट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस आपकी कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉपर सल्फेट। क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, ये आपका क्या है, लवण। ठीक है, और ये आपके क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस वजह से खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अब देखिए हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो हमने मान लो एक परख ले ली और इसमें हमने क्या डाल दिया, H2SO4 प्लस आपका जिंक धातु, वो कॉपर धातु, क्या कॉपर धातु, ये आपका क्या है, कॉपर धातु, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने H2SO4 और कॉपर डाल दिया। तो जब दोस्तों इस परख नली के पास, इसको इसका परीक्षण करने के लिए इस परख नली के पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले आएंगे तो फट फट की आवाज आएगी, मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये क्या कर लेता है, धातु से क्रिया करके क्या बना देता है, लवण, और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसको हमें इसका परीक्षण करना है तो हमें परख नली में क्या ले लें, H2SO4 और कॉपर, और इसमें जलती हुई मोमबत्ती ले जाए इस परख नली के ऊपर, तो वहां पे आपको फट फट की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है।